तो ये देखो जी, ये प्लांट लग गए इधर और कोयल बोल रही है बहुत प्यारी प्यारी। ये देखो, वो देखो, फूल अच्छे खासे खिल गए हैं ये। और उधर उसके अंदर मैंने डाल दिया है वो क्या बोलते हैं, जो फूल थे ना अपने पास पहले से, वो पुराने फूल रखे हुए थे वो तोड़ करके इसमें डाल दी। इसमें पौध तैयार हो जाएंगी बहुत जल्दी। और वैसे 7-8 ये हैं और काव्या की मम्मी लेके चली गई थी 8-10, और अपनी चारपाई इधर रखी है, शाम को इधर से ही कर लेते हैं। ये देखो, इसको साफ करना यार नीचे से, क्योंकि अपने चारपाई इधर ही रहेगी। दिन में दिखाता हूँ क्या हाल हो रखा है इसका, सफाई करनी है अभी। पहले नहा लेता हूँ, नहा करके और फिर करते हैं सफाई। जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऐसे अच्छे वाले तिलक लगाए हुए बहुत दिन हो गए, आज फिर से लगाया। अब पापा ये मैंने डायरी बनाई थी, देखो इसके ऐसे मन कर रहा था तो इसका इस पे चिपक गया, स्टिकर डायरी है। सही है, तो वो हो गया ना, सही हो गया, अपने खुद के ऊपर ही हो गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो वो बात है, बहुत दिन हो गए आपने को भी मतलब मंदिर दिखाए हुए, पूजा तो खैर चलती है, ऐसे तिलक वगैरह सीधा ही लगाते थे, आज अच्छे तरीके से लगाया है, थोड़ा सा और अच्छा मतलब मन खुश होगा और कुछ पॉजिटिविटी आएगी। तो चलो कर लेते हैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट। और ये नैनी का ये है, देखो क्या लिखा है, माई माई बारबी स्टिकर बुक, और आगे ये खोला, इसके अंदर ये सारे स्टिकर्स हैं। अब मेरे दिखाओ, देखो आपका क्या है, माई कार स्टिकर बुक, तेरी दाऊं, वाह भाई वाह, कलाकार हुआ। अच्छे जी, सबको सायंकालीन नमस्कार। और आप सबकी एक वो घड़ी आ गई, आप सबके इंतज़ार की वो घड़ी, जिसमें सब कुछ मैंने अभी दिखा दूंगा मैं, आप लोग पूरे को देखते रहना, आगे तक पूरा पढ़ लेना, उसके बाद में मैं आपको बोल करके बताऊंगा, मतलब अच्छे से सुकून से देख लो उसको पहले आप लोग, और उसके बाद में ही सब कुछ मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? तो देखो आगे। तो जी, सब कुछ मैंने जितना जो कुछ था वो सब कुछ आपको पीछे स्क्रीनशॉट में दिखा दिया, क्योंकि उसने एक स्क्रीनशॉट उठा के और दिखाया आपको, ठीक है? मैंने सब कुछ जितने स्क्रीनशॉट थे और भी हैं, खैर अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरे शेयर कर दूंगा। लड़के की फ़ोटो भी है उसके अंदर, ठीक है? नाम भी मैं बता देता हूँ, मुकेश नाम से वो आईडी है। अब इन सब चीज़ों के पीछे अगर आदमी वो करता है तो उसकी तो कोई वो नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर आप देखोगे उसमें से आगे पीछे हो गए होंगे, मुझे इतना वो नहीं है कि मैंने सीरियल वाइज लगाए उनको, कि अभी जो जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में उसके 10 मैसेज आए होंगे,
जब मतलब शायद 11 जून की लास्ट है उसका, 7-8 मैसेज हैं उसके जो कि मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया उसको। और उसके हाँ एक दो बार ज़रूर 5-7-10 मैसेज आ जाते हैं, तो जिस दिन मैं जाता हूँ फेसबुक पे वहाँ पे देखता हूँ 8-10 मैसेज आए हुए हैं तो मैं कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड नंबर, जहाँ तक मुझे यकीन है वो कोई ना कोई जो मतलब इसके अंदर जो जेंट्स लोग हैं आदमी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ भी जाएंगे और उनके साथ होता भी है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि लड़के आपस में जो कुचरनी करने वाले लड़के होते हैं ना, मतलब दोस्त लोग और कोई लड़का नहीं, अपने साथ के लड़के काफ़ी दिन से नहीं मिले हैं तो फिर वो मतलब इसी तरीके से और वो फालतू की वो करते रहते हैं। उसी तरीके से मैंने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया है, फ़ोटो भी 2 स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने उसकी फ़ोटो भी रख दी है, आप देख सकते हो, और क्या बोलते हैं उसको सॉरी नाम भी बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हुए, उसको तो खैर नहीं होएगा, उसको तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि उसको तो बताते हुए मेरे को 4 दिन हो गए कहते हुए कि यार कम से कम इसको देख ले, इसके कॉलिंग वगैरह कैसे भी कुछ भी होता है मुझे भाई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके पास कुछ भी करके देख लो, आप मैसेज करके देख लो पहले भाई, आईडी मेरी चालू है, उसको ये थोड़ी पता रहेगा कि उसकी घरवाली कर रही है, आप यहीं से कुछ मैसेज करो, उसका मैसेज आएगा, फिर कम मिलोगे ऐसे फलाना ढिमका, आप मतलब आदमी इंक्वायरी कर सकता है, करे तो कि कहाँ तक क्या बात सच है, और नहीं करे इसी तरीके से रहना है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उसका तो फिर कोई समाधान ही नहीं है, उसको तो फिर वही बहस वाली बात है, और मतलब वो लौकी लकीर वाली बात हो जाती है ना कि हाँ मैंने कह दिया तो लौकी लकीर है। और आने को बहुत सारे मेरे लिए भी आ रहे हैं और मैं इसको यही कह रहा था, आप लोगों ने नहीं मांगे, एक वो स्क्रीनशॉट उस दिन लगाया होगा, मैं कह रहा था ठीक है चल पूरे के पूरे भेज दो कम से कम पता तो लगे, लेकिन कोई बात करने को कुछ भी राजी नहीं है। और वैसे खैर कई सारे कमेंट भी आए थे आज, कई सारे तो नहीं 2-3, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ठीक है लेडीज़ हैं, लेडीज़ के साथ में ऐसे ही बोलेंगी, उनका साथ देने के लिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता कि सही है, कोई बात नहीं, जो भी मतलब था सब अपने को उसकी कोई परवाह नहीं है। और रही बात जो आप लोग कह रहे थे कि हमने, बहुत सारे कमेंट थे कि हमने ऐसा नहीं सोचा था शर्मा जी कि आप ऐसा कुछ निकलोगे, तो भाई इस चीज़ की अपनी आज भी गारंटी है, मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से जो जान पहचान मतलब कोई ऐसा आदमी हो जो उसकी सब कुछ निकाल ले तो मैं उसको आईडी भी दे दूँगा, निकाल लेना लड़का है कि लड़की है क्या नहीं है, कहीं से भी आप जानकारी ले करके करो, अगर लड़की निकली तो भाई मेरी बदकिस्मत, और अगर लड़का निकला तो फिर मैं तो बेगुनाह हूँ बिल्कुल। और अगर पहली बात तो मतलब इस तरीके से जलील होना, एक शायद मेरे हिसाब से लड़की कोई भी इस तरीके के कमेंट मैसेज नहीं करेगी कि बार बार पीछे पड़े रहना, जिसको मतलब ऐसा है कि कोई मैं उसको कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है यार टाइम मिलेगा तो करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है ऐसे है वैसे है, मेरे हिसाब से तो पहली बात तो लड़की ऐसी होगी नहीं, कोई अगर 100,000 में से या लाखों में से एक लड़की होगी वो भी यार इतना वेट क्यों करेगी, अगर उसको दोस्ती करनी है तो क्या इस दुनिया में एक मैं ही सुंदर और अच्छा इंसान बनाऊं क्या उसके लिए, तो कहीं से भी देख लेगी यार अगर लड़की, हाँ मैं मतलब ये चीज़ तो हर इंसान सोच सकता है, चाहे वो मतलब लेडीज हो चाहे आदमी हो, हर आदमी सोच सकता है कि इतने पुराने मैसेज चलते आ रहे हैं मेरा कोई जवाब नहीं जा रहा, तो शायद ऐसा कोई लड़की का होना तो मैं तो मानता नहीं, इसीलिए मैं बेझिझक हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, और मैं हर बारी मैंने उससे भी यही कहा है और आप सबसे भी यही कहा है कि सांच को आँच नहीं है, ठीक है जो सत्य है उसको कोई दबा नहीं सकता, सच है वो सच है। तो बस यही था जो कुछ था, आप सबको बता दिया जैसा था, आप देख लेना, हाँ एक दो कमेंट मैसेज मतलब मेरे किए हुए ज़रूर हैं ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो मेरे को जो आप लोगों को नंबर दे रखा है व्हाट्सअप नंबर पहले से, उस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं उसकी आईडी वगैरह भेज दूँगा और फिर आप पता कर लेना कि वो लड़का है कि लड़की है, बस बात ख़त्म, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी और
कल बताता हूँ आपको, इससे अच्छा भी अगर शाम को कुछ कोई बातचीत नहीं होती है तो। चलो बाय, मिलेंगे कल।